आईपीएल ओपनिंग गेम में सीएसके ने आरसीबी को हराया और दूसरे मैच में मुंबई को गुजरात की टीम हरा करके आ रही है और आज ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। तो विनिंग नोट पर पिछला मैच दोनों टीमों ने खत्म किया है, अब वो विनिंग स्ट्रीक किसी एक टीम की तो टूटेगी। पहले बात हम चेन्नई सुपर किंग्स की करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास में ये दूसरी बार हुआ है कि चेपक के मैदान पर चेन्नई के स्पिनर्स ने कोई विकेट नहीं लिया। बहुत चर्चा हुई थी कि स्पिनर्स को मदद करेगी विकेट, उतना टर्न देखने को नहीं मिला, हल्का स्लोअर साइड पर था, स्टिकी था, मुस्तफिजुर रहमान ने उसका फ़ायदा उठाया। बट विकेट की बात अगर करें तो अच्छा खेला, ओवरऑल विकेट अगर देखें तो अच्छा खेला, थोड़ा सा टैकी या स्टिकी आप कह सकते हैं उस तरह का ज़रूर था और रन भी डिसेंट बने। टिपिकली चेन्नई में जिस तरह का विकेट होता है तो उसी तरह का विकेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैच में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सेम स्क्वायर सरफेस जो है वो यूज़ होने वाली है आज के इस मैच में। प्लेइंग 11 की बात करें चेन्नई के लिए अगर आप देखें तो वहाँ पर पतिसा पथिराना जो है वो स्क्वाड के साथ ज्वाइन कर गए हैं, तो अवेलेबिलिटी उनकी सिलेक्शन के लिए होगी या नहीं ये मैं गारंटी से नहीं कह सकता, बट शायद वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, तो उनके इंक्लूजन के बारे में भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सोच सकती है, क्योंकि जो इनिशियल प्लान चेन्नई का रहा होगा उसमें पतिसा पथिराना मेरे हिसाब से ज़रूर फिट होते होंगे। और जिस तरह से तुषार ने गेंदबाजी की और उन्होंने शार्दुल को भी बाहर रखा, दीपक ने अच्छी गेंदबाजी की, तो चौथा फास्ट बॉलर अगर इनको चाहिए होगा तो मुझे लगता है कि फिर उनकी जगह बनेगी, बट इस मैच से बनेगी या अगले मैच से बनेगी ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो एक वो चीज़ रहेगी चेन्नई के लिए जिस पर वो बात करेंगे। बाकी अगर चेन्नई की तरफ से बात करें तो अजिंक्य रहाणे जिस तरह से पिछले साल से लेके अब तक खेले हैं और पहली 10 गेंद में उनका स्ट्राइक रेट जो है वो लगभग 160 के आसपास का रहता है, तो उनका सिलेक्शन भी अब चेन्नई की टीम को जिस तरह का बैट्समैन चाहिए उसी तरह से वो खेल रहे हैं, तो आप उनको भी बाहर करने के बारे में सोचेंगे नहीं। जनरली आपको अजिंक्य रहाणे को देख के फील ये आता है कि ये बैट्समैन ना थोड़ा स्लो खेलता है, आपके गेम को कई बार स्लो डाउन कर सकता है, बट पिछले साल से पता नहीं ऐसा क्या हो गया अजिंक्य रहाणे को कि जो सारी क्रिकेट अपनी 120 के अंदाज में खेली है, 120-125 के स्ट्राइक रेट से खेली है, वो खिलाड़ी आके अब पारी शुरू करता है 160 के स्ट्राइक रेट से, तो वो अपनी जगह रिटेन करेंगे। और जो रचिन रवींद्र जिनको रोल जो दिया गया है स्पेशली टॉप ऑफ द ऑर्डर जो है वो अग्रेसर का, वो उन्होंने बहुत बखूबी खेला, तो चेन्नई की प्लेइंग 11 में तो मेरे हिसाब से कोई चेंज होगा नहीं। और मुस्तफिजुर ने पिछले मैच में जो ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी तो चेन्नई की टीम ये होप कर रही होगी कि वो उसको रिपीट करें, क्योंकि सिमिलर विकेट है, सिमिलर सरफेस है, तो वहाँ पर आप परफॉर्मेंस रिपीट जरूर कर सकते हैं। चेन्नई के लिए कुछ हद तक थोड़ा सा वरिंग साइन जो है वो तुषार देशपांडे रह सकते हैं, बट आई थिंक वो अच्छे रिदम में हैं। सो पहला मैच उन्होंने अच्छा स्टार्ट नहीं किया था बट गेंदबाजी वो अच्छे रिदम में कर रहे हैं, ऐसा देख के मेरे को नहीं लगा कि बहुत कंसर्निंग चीज़ है उनका बॉडी लैंग्वेज देख करके, गेंदबाजी देख करके आपको नज़र आ रहा हो। हाँ, बट एंड रिजल्ट जो था उसमें आप देखेंगे कि वो बड़े एक्सपेंसिव रहे हैं। दीपक चहर ने भी पिछले मैच में अगर आप देखेंगे गेंदबाजी उस लेंथ पर नहीं की जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जनरली आके वो जो गेंद स्विंग कराते हैं और फुल डालने की कोशिश करते हैं उस लेंथ पर गेंदबाजी नहीं की। तो चेन्नई पहला मैच जीत करके तो आ रही है बट चेन्नई की गेंदबाजी जो पहले मैच में देखी थी वो थोड़ी थोड़ी सी इफ़ी लग रही है, बट आई थिंक एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेस तो गेंदबाज जो थोड़े से रस्टी हैं, जो बहुत टाइम से खेले नहीं, स्पेशली दीपक चहर की बात करें तो बहुत ज़्यादा खेले नहीं, इंजरीज और वो सारी चीज़ें भी रही हैं। मुस्तफिजुर तो खेल रहे थे, बीच में इंजर्ड हुए थे, बट आके उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। पथिराना का देखना पड़ेगा जब भी उनका इंक्लूजन होगा। बट आप जो बात करेंगे, जो शायद मैंने जहाँ से शुरू किया था कि स्पिनर्स ने चेन्नई में विकेट नहीं लिया, ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी। और एक चीज़ और देखेंगे, चेन्नई के स्पिन लाइनअप में जो स्पिनर हैं अगर बॉल टर्न ना करे तो विकेट निकलेंगे भी नहीं, ये भी एक और फैक्ट है कि चाहे वो महीश तीक्ष्णा हो, वो बहुत कंट्रोल से गेंद डालते हैं, आप उनको डेथ में करवा सकते हैं, वो बेनिफिट आपको उनसे मिलता है, लेकिन विकेट निकालने की काबिलियत जो है ना इन T20 क्रिकेट शायद वो उनके पास भी नहीं है। हाँ, बैट्समैन पीछे जाएगा, गेम सिचुएशन का प्रेशर बनेगा, रिक्वायर्ड रेट का प्रेशर बनेगा तो विकेट निकलेगा, बट एक जो प्योर स्किल से विकेट निकालने वाला गेंदबाज होता है वो स्पिन डिपार्टमेंट में चेन्नई लैक करती है। जडेजा भी आप सिमिलर काइंड ऑफ कह सकते हैं कि गेंदबाजी उन्होंने पिछले इनिंग में अच्छी की है, पिछले मैच में अच्छी की है, बट विकेट उनके खाते में भी था नहीं है। तो क्या ये किसी और गेंदबाज को ऐड करने के बारे में सोचेंगे, बट अभी तो देखो बहुत अर्ली है,
शुरुआत है, पहला मैच है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा चेंज आपको देखने को मिलने वाला है। तो चेन्नई मोस्ट लाइकली वही 11 रहने वाली है। एक पतिराना का देखना पड़ेगा कि अगर वो फीचर होते हैं तो बाहर कौन जाएगा, किसी न किसी एक खिलाड़ी को फिर बाहर जाना पड़ेगा अगर उनको फिट इन किया जाता है, जो शायद मुझे यहाँ पर अभी मुश्किल लग रहा है। तो ही विल बी अवेलेबल, बट उनका प्लेइंग 11 में फीचर होना मुझे मुश्किल लग रहा है, बिकॉज यू आर प्लेइंग इन चेन्नई और मुस्तफिजुर पिछले मैच में अच्छा करके आ रहे हैं, तो वो कोई डाउट आउट इधर उस चीज़ को लेकर के है नहीं। दूसरी तरफ बात करते हैं गुजरात की टीम की, तो गुजरात की टीम में भी कोई चेंज अभी हाल फिलहाल देखने को मिलेगा नहीं। बट गुजरात के गेंदबाजी के बारे में एक चीज़ अच्छी है, पिछले साल जब मोहम्मद शमी इनके लिए खेल रहे थे तो शुरुआत में वो आके विकेट निकाल रहे, और गुजरात पिछले साल से लेके अब तक पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेट निकालने वाली टीम है। उसमें बहुत बड़ा रोल मोहम्मद शमी का था, और जो बात हम कर रहे थे ना कि अजमतुल्ला उमर जी आके नई गेंद स्विंग करा सकते हैं, एक्चुअली उन्होंने नई गेंद मेरे हिसाब से आके अच्छी स्विंग करा के दिखाई है। अब इनको ये देखना है कि अपना कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, क्योंकि नई गेंद उमेश यादव अच्छा नहीं कर रहे, और उमेश यादव जो है वो लॉन्गर फॉर्म ऑफ द गेम में बहुत अच्छा करके आ रहे हैं। बट अगर उमेश यादव एक बेहतर रिदम में अच्छा गेंद डाल सकते हैं अलॉन्ग विद उमर जई, तो ये अच्छा प्रेशर जो है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर मेंटेन करके रख सकते हैं। और फिर मिडिल ओवर में देखो आपके पास राशिद खान भी है, साई किशोर भी है, जो आके अच्छा कंट्रोल आपको देते हैं। और जिस तरह से साई किशोर गेंदबाजी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जब चेन्नई में खेलेंगे ना उनका कद और बड़ा होगा, क्योंकि आपने पिछले मैच में उनको अहमदाबाद में देखा जहाँ पर अच्छा विकेट था, स्लाइट ड्यू भी आई थी, फिर भी उन्होंने बॉल बहुत अच्छा डाला है। आई थिंक 25 रन दिए थे उन्होंने 4 ओवर के अपने स्पेल में, 24-25 जो भी दिया था, बट बीच बीच में कुछ गेंदें उन्होंने बड़ी अच्छी डाली, मतलब जो बैट्समैन को ललचाती भी थी, विकेट टेकिंग भी थी, और बीच में अपना मिक्स भी अच्छा कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ पेस। तो आई थिंक एज अ स्पिनर मेरे को वो बड़े अच्छे रिदम में लगे हैं। सो चेन्नई उनका होम वेन्यू भी है, क्योंकि तमिलनाडु से खेलते हैं और तमिलनाडु के लिए ही इस सीज़न रणजी ट्रॉफी में 50 से ज़्यादा विकेट भी उन्होंने निकाले हैं। सो गुजरात की गेंदबाजी अच्छी दिख रही है, बट बैटिंग मुझे लगता है कि टॉप 4 अभी शॉर्टेड नहीं है, उधर दिक्कत है। उधर दिक्कत ये भी है कि बैट्समैन थोड़ा स्लो खेलते हैं। रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल ठीक शुरू किया, साई सुदर्शन ने 45 रन किए, बट गेंदें ज़्यादा लेते हैं। ये प्रॉब्लम पिछले साल भी थी, और आपको याद होगा कि पिछले साल इफ़ आई एम करेक्ट कि उनको रिटायर हर्ट करने की नौबत आई थी, तो वो जो है रिटायर हर्ट नहीं, वो मतलब बेसिकली जब बाहर जाते हैं बैट्समैन दूसरा आता है, उस नौबत पर पहुंच गए थे, तो वो कुछ उस तरह की चीज़ जो है वो आपको परेशान कर सकती है। बिकॉज या तो जो बैट्समैन बाद में अच्छा एक्सेलरेट नहीं करते उनको शुरू तेज करना चाहिए, बट समटाइम ये गेम सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, तो वाई नॉट कि वो 4 नंबर पर मिलर जैसे बैट्समैन को ऊपर डालें, इनको अग्रेसर ऊपर डालना पड़ेगा। और एक चीज़ और इन्होंने की पिछले मैच में कि यार जब आपको विजय शंकर को आपने बेसिकली लिया था तो 6 नंबर खिलाने का मतलब नहीं बनता ना, 6 नंबर आपको खिलाना है तो आई थिंक यू हैव बेस्ट प्लेयर फॉर नंबर 6 अभिनव मनोहर, आपको उसको खिलाना चाहिए। ये गुजरात का बैटिंग ऑर्डर इस बार मेरे को बड़ा मतलब शेकी सा लग रहा है, और बड़ा मतलब आई वुड से कि ये एक प्रॉपर उसमें नज़र नहीं आ रहा है कि आपको मिक्स अच्छा होना चाहिए अटैक एंड डिफेंस का, वो मेरे को नज़र नहीं आ रहा। ऊपर के 4 बैट्समैन बहुत स्लो हैं, अगर आप शुभमन गिल को छोड़ दें, रिद्धिमान साहा देखो कोशिश करते हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी वो स्ट्राइक रेट आपको वो दिखेगा नहीं, क्योंकि शायद वही बात एबिलिटी की आ जाती है कि फिर आपको वो दिखेगा नहीं। शुभमन अब पता नहीं उस दिन तो उन्होंने शायद ज़्यादा ही टाइम लिया, शायद उतना टाइम आप ले नहीं सकते जब आपके अराउंड में इस तरह के प्लेयर हो, किसी ना किसी को वो अग्रेसिव रोल खेलना पड़ेगा जिस विकेट पर आपको और ज़्यादा रन बनाने चाहिए थे, यू मेड ओनली 160 ऑड रन्स, तो वो चीज़ें उस दिन आप जीत गए इसलिए ये चीज़ें उभर करके नहीं आई, इनके बारे में सवाल उठा नहीं, बट मुझे लगता है ये सवाल उठेंगे क्योंकि गुजरात का टॉप 4 जो है वो स्लो डाउन करने वाला है, और अपोजिशन की टीमें चाहेंगी ये 4 बैट्समैन ज़्यादा देर खेल जाएं, वो उनको आउट नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि वो जिस तरह से खेल रहे हैं तो वो एस्पेक्ट गेम का इम्प्रूव करना पड़ेगा, वेदर वो प्लेयर जो खेल रहे हैं वो अपने गेम को थोड़ा ऊपर लेके जाएं, स्ट्राइक रेट बेटर हो उससे खेलें, या फिर आपको बीच में प्लेयर जो नीचे आपके हैं जिनके पास स्ट्राइकिंग एबिलिटी ज़्यादा है उनको 4 नंबर पर तो कम से कम लेके आइए। देखो 3 नंबर तो आप ला नहीं पाएंगे, पहला 3 आपकी मजबूरी भी है कि आप शुभमन साहा और
जो इनको खिलाना है साई सुदर्शन को, तो एटलीस्ट चार पर तो लेके आओ और उन तीन को बोलो आपको थोड़ा सा तेज गेम चलाना है और मिडिल ओवर में आपको एक स्टेबिलिटी वाला प्लेयर चाहिए तो आप बीच में पांच नंबर डाल लीजिए। लेकिन आपको ये फॉर्मेशन थोड़ा सा बेटर करनी पड़ेगी अपने बैटिंग ऑर्डर की अगर आगे अपनी विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल CSK वर्सेस GT के मैच का प्रीव्यू। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम आर